एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दो इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी या फिर सी बोल लीजिए, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और के बीच में, ई इक्वल्स टू 3K1-2μ। इस रिलेशन पे बेस्ड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे और डिरेवेशन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सिमिलरली ई और सी या फिर ई और जी के बीच में भी रिलेशन है, इक्वल्स टू 2G1+μ। इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे और ये डिरेवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला रिलेशनशिप आया कैसे, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ई एंड जी, ठीक है, या फिर ई एंड सी। तो कैसे डिराइव करते हैं, डिरेवेशन के लिए बहुत सारा स्टेप्स है, उस स्टेप्स में से पहला जो चरण है, हम लोग शियर स्ट्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे एक ब्लॉक कंसीडर किए थे स्क्वायर पैटर्न का ए बी सी डी और इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा था टाउ, और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इक्वल एंड अपोजिट नेचर का टाउ अप्लाई करते हैं, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, रोटेशन से रुकता है। अगर सिर्फ ये अप्लाई होगा तो रोटेट होता रहेगा बॉडी, क्योंकि ये एक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मोमेंट अप्लाई कर रहा है। इसको रोटेट करने के लिए रेसिस्टिव या फिर बैलेंस्ड मोमेंट लगाना पड़ेगा, जो कि क्लॉक वाइज अपोजिट, अगर ये एंटी क्लॉक वाइज लगा रहा है तो ये दोनों मिलकर क्लॉक वाइज मोमेंट लगा रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम में बॉडी को समान अवस्था में रखेगा, रोटेशन से रोकेगा। सिंपली इस एप्लीकेशन ऑफ द शियर स्ट्रेस से इस बॉडी में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को कंसीडर हम लोग करते हैं। ये डी जो है, इस तरह से अगर शियर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे भी, तो ये जो डी है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो सी है ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनल शेप ऑफ द स्क्वायर जो है वो रॉम्बस शेप का, बर्फी के आकार का वो ले लेगा अपने आप में। तो डिफॉर्म्ड शेप जो है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, सी पहुँच गया सी डैश पे, डी पहुँच गया डी डैश पे। इसका डायगोनल जो था, जैसे कि ये बी डी पहले था, इसमें इलोंगेशन आया, इसको अभी फिलहाल मिटा रहे हैं ताकि फिगर आपको अच्छे से विजुअलाइज हो। डी जो है पहुंच गया डी डैश पे, सी जो पहुंच गया किस पे, सी डैश पे, और डायगोनल जो बी डी है इसमें इलोंगेशन आया, डायगोनल बी डी अब हो गया बी डी डैश, ये डायगोनल हो गया। और डायगोनल ए सी जो था पहले, उसमें डिफॉर्मेशन आया और डिक्रीज किया उसका लेंथ, ये पहले ए सी था, डिक्रीज हो गए ए सी डैश हो गया, ठीक है। इस एप्लीकेशन ऑफ द शियर स्ट्रेस के वजह से इसमें कहीं ना कहीं इस डायगोनल में एक टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और इस डायगोनल में कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस शियर फोर्स को, यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ जनरेट हो रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ शियर फोर्स जनरेट हो रहा होगा, उस शियर फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस डायगोनल पे, इस शियर फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे इस डायगोनल पे, तो ये पता चलेगा कि इस पे टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। और कितने इंटेंसिटी का, टाउ इंटेंसिटी का, रिजॉल्व करके आप लोग देखें टाउ इंटेंसिटी, इसको भी जैसे कि यहाँ पे शियर फोर्स एफ जनरेट हो रहा था, ठीक है, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बटे एरिया, ये शियर फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया। यहाँ पे एक मान लीजिए कि डी सी ये डायमेंशन है, उधर का जो थिकनेस है वो वन है, तो डी सी इंटू वन क्या हो गया, यहाँ वाला एरिया, इस फेस का एरिया, डी सी इंटू थिकनेस यूनिट माने वन माने, तो एफ डिवाइडेड बाय डी सी इंटू वन, ये क्या है, शियर स्ट्रेस है। सिमिलरली इस पे जो शियर फोर्स टाउ जनरेट हो रहा है ए डी फेस पे, तो शियर फोर्स हम लोग एफ माने और डिवाइडेड बाय करें ए डी इंटू वन, तो वो शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू होगा। तो ये शियर फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करें तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी सी, यहाँ पे भी एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाउ इंटू ए डी। इस दोनों शियर फोर्स को, स्ट्रेस का डायरेक्ट रिजोल्यूशन नहीं होता है, फोर्स का रिजोल्यूशन होता है, फोर्स को रिजॉल्व करें हम लोग इस पर, इस फोर्स को भी शियर फोर्स पहले निकालें शियर स्ट्रेस से, इस फोर्स को भी रिजॉल्व करें इस पे, तो ये हम लोग पाएंगे कि इस डायगोनल में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो भी कितने इंटेंसिटी का जनरेट हो रहा है, टाउ इंटेंसिटी का, और किस नेचर का, टेंसाइल नेचर का। अब ये जो स्ट्रेस है इस डायगोनल में टेंसाइल नेचर का है, और इंटेंसिटी हम लोग रिजॉल्व करके देखेंगे तो कितना आया, टाउ ही आया, ठीक है। सिमिलरली इस डायगोनल में एक तरह का कंप्रेसिव, क्योंकि ये जो लेंथ है इसका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और इसका भी इंटेंसिटी कितना होगा, कंप्रेसिव नेचर का, अगर आप रिजॉल्व करें सभी फोर्सेस को। अब देखिए
इस फेस में जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टाउ, और इस फेस में जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो भी कितना है टाउ। तो इस फेस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग शियर फोर्स निकाले एफ इक्वल्स टू टाउ इंटू ए बी इंटू वन, इस फेस में बी सी फेस में शियर फोर्स निकाले टाउ इंटू बी सी इंटू वन। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करिए इस पे, इस डायगोनल पे, और इस फोर्स को भी रिजॉल्व करिए इस डायगोनल पे, तो पता चलेगा दोनों तरफ का जो नेचर है रिजोल्यूशन के बाद कंप्रेसिव नेचर आएगा, और इंटेंसिटी जो स्ट्रेस का आएगा वो कितना आ रहा है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का टाउ नेचर का। ठीक है, तो फाइनली चूंकि हम लोग को आगे डिरेवेशन उस पर जाना है, ये एक फर्दर अलग टॉपिक है, इसको हम लोग कंक्लूड किए, समराइज किए छोटे से समरी में, वो क्या है कि इस तरह का एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस अगर हर एक फेस पे लगेगा तो इसके वजह से इसके डायगोनल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, इसके डायगोनल बीडी में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा विथ इंटेंसिटी टाउ, इसके डायगोनल एसी में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा विथ इंटेंसिटी टाउ। ठीक है, अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेस टाउ इंटेंसिटी का जनरेट हो रहा है, तो इस अब हम लोग को फोकस रहना है बी डी डायगोनल पे। कंसीडर डायगोनल बी डी, बी डी डायगोनल में पहले से टेंसाइल नेचर का एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, तो स्ट्रेन जो बी डी डायगोनल में जनरेट होगा ड्यू टू ये टेंसाइल स्ट्रेस टाउ वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑन बी डी कितना टाउ इंटेंसिटी का जो था टेंसाइल स्ट्रेस, इसके वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा बी डी डायगोनल में, इसके वजह से वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस है, लेकिन लकीली इंटेंसिटी जो है ये भी टाउ आ गया, ये शियर स्ट्रेस अब नहीं रहा, शियर स्ट्रेस रहता तो यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू देते हैं। ये कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इस डायगोनल में, इस डायगोनल में डायरेक्ट डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस टाउ है, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेन जो होगा इसके वजह से वो कितना हो जाएगा टाउ डिवाइडेड बाय टी। अब देखिए उसी डायगोनल पर अभी भी फोकस रहिए, स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन डायगोनल ए सी टाउ। अब देखिए इस डायगोनल में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टाउ नेचर का, इसके वजह से इस डायगोनल में क्या असर पड़ेगा, अगर ये दब रहा है तो ये क्या होगा इलोंगेट होगा, इसके वजह से क्योंकि इस पर फोकस अगर करिए तो ये कंप्रेसिव नेचर का अगर स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो लैटरल स्ट्रेन जो हो जाएगा इस डायगोनल में इसके वजह से वो कैसा नेचर का होगा टेंसाइल नेचर का होगा विथ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा म्यू इंटू टाउ डिवाइडेड बाय ई। अब देखिए इसमें जो स्ट्रेन होगा ए सी डायगोनल में वो टाउ डिवाइडेड बाय ई है, लेकिन लैटरल स्ट्रेन जो होगा बी डी डायगोनल में इसके वजह से वो कितना हो जाएगा म्यू इंटू टाउ डिवाइडेड बाय ई। ठीक, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं बी डी डायगोनल पे ही, लेकिन बी डी डायगोनल में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो दो वजहों से हो रहा है, एक तो पहले से इसमें इस एक तरह का टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा था उसके वजह से टेंसाइल स्ट्रेन, अब इस डायगोनल में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा था जो कि इसको और थोड़ा बढ़ा देगा इलोंगेट कर, अगर ये दब रहा है तो इसका लैटरल डायमेंशन क्या होगा इंक्रीज करेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल अगर स्ट्रेन अगर कंप्रेसिव नेचर का है तो लैटरल स्ट्रेन कैसा हो जाएगा टेंसाइल नेचर का होगा, उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस डायगोनल में जो था, म्यू इंटू इस डायगोनल में जो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव स्ट्रेस था वो टाउ डिवाइडेड बाय ई ही था, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेस कितना है टाउ ही है, यहाँ पर भी स्ट्रेस कितना था टाउ ही था, ये टेंसाइल नेचर का था और ये कंप्रेसिव नेचर का है, तो कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेन टाउ डिवाइडेड बाय ई, लेकिन लैटरल स्ट्रेन इस डायगोनल में म्यू इंटू टाउ डिवाइडेड बाय ई, और ये भी किस नेचर का हो जाएगा टेंसाइल नेचर का, टेंसाइल नेचर का अगर पॉजिटिव माने तो ये भी पॉजिटिव, तो टोटल स्ट्रेन जो होगा टोटल स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी ये कितना हो जाएगा ये प्लस ये टाउ डिवाइडेड बाय ई प्लस म्यू इंटू टाउ डिवाइडेड बाय ई, अगर टाउ डिवाइडेड बाय ई कॉमन ले वन प्लस म्यू, ये एक एक्सप्रेशन आए। ठीक है, इस तरह का
कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग है, शेयर स्ट्रेस है, इसके वजह से डायगोनल बी डी में टोटल स्ट्रेन कितना होगा, टाउ डिवाइडेड बाय ई वन प्लस म्यू। इसी को इक्वेशन वन माने, इसको याद रखिएगा, अभी आगे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, टोटल स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू। अब दूसरा एक्सपेक्ट थोड़ा कंसिडर करते हैं, वो क्या है, एक बार फिर हम लोग फिगर बनाते हैं। स्क्वायर शेप का ब्लॉक है ए बी सी डी, इस तरह का शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग लगा, तो डी पहुंच गया डी डैश पे, सी पहुंच गया सी डैश पे, तब जो डिफॉर्म्ड शेप है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, और फाइनल जो डायगोनल है वो यहाँ पे है, और इनिशियल डायगोनल यहाँ पे था, ये डिफॉर्म हो गया फाइनल डायगोनल बी डी डैश डी यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो फाइनल डायगोनल है इस पे हम लोग डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज़ करिए इसको ई मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है, डी डैश ई और डी। अब हम लोग फिर से कंसिडर करते हैं इस फिगर के थ्रू बी डी डायगोनल में, जो पहले बी डी था इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से सूचित करते हैं, डिफॉर्म्ड शेप, पहले क्या था, बी डी था। बी डी डायगोनल में कितना स्ट्रेन आया, स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी, यानी कि चेंज इन लेंथ इन डायगोनल बी डी अपॉन एक्चुअल लेंथ। चेंज इन लेंथ कैसे पता चलेगा, बी डी डैश माइनस बी डी, बी डी डैश फाइनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ कितना था बी डी, तो बी डी डैश माइनस बी डी करेंगे तो चेंज इन लेंथ पता चलेगा, और दैट चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी कि फिर से बी डी से डिवाइड करें तो ये स्ट्रेन आ जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग बी डी डैश माइनस बी डी डिवाइडेड बाय बी डी, ये स्ट्रेन का एक तरह से यहाँ पे ये डेफिनेशन के थ्रू आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, और रफली बी डी जितना लेंथ है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो बी ई भी लेंथ कितना है, उतने के बराबरी, बी से लेके ई का लेंथ जो है वो रफली इक्विवेलेंट है बी डी के बराबर। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे है, अगर छोटा अमाउंट का डिफॉर्मेशन है तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री के बराबर। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को भी हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये डी था, ये पहुँच गया डी डैश पे, ये छोटा सा ट्रायंगल है डॉटेड वाला, इसको हम लोग बड़ा किए, डी पहुंच गया डी डैश पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए थे ई। ठीक, अगर ये 45 डिग्री है तो छोटा अगर डिफॉर्मेशन हो तो इसको भी कितना माने, रफली 45 डिग्री, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये कितना है 90 डिग्री, ये एंगल जो है कितना है 90 डिग्री, इसको वहाँ पर लिखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो जितना लेंथ बी डी का ही, बी डी का है उतना ही लेंथ बी ई का भी हो जाएगा, तो बी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी की जगह बी डी डैश माइनस बी ई, चूँकि बी डी इक्वल्स टू रफली इक्वल्स टू बी ई, एग्जैक्टली तो नहीं, रफली इक्वल्स टू होगा बी डी इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखें डिवाइडेड बाय बी डी। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में कंसिडर करिए, इस ट्राइंगल में कंसीडर ट्रायंगल डी डी डैश ई, डी डी डैश ई, कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू, कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू, अगर ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू डी डैश ई डिवाइडेड बाय डी डैश डी, डी डैश डी इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू आधार बटे कर्न, ये बेस है 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये बेस और ये कर्न, इस तरह से लिख सकते हैं। तो डी डैश ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डैश ई इक्वल्स टू डी डैश डी इंटू कॉस 45 डिग्री। अब देखिए बी डी डैश माइनस बी ई, बी डी डैश माइनस बी ई, इस लेंथ में से इस लेंथ को घटा दे तो बचेगा क्या, डी डैश ई, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डैश ई डिवाइडेड बाय बी डी, और डी डैश ई का वैल्यू क्या हम लोग निकाल चुके हैं, डी डैश डी इंटू कॉस 45 डिग्री, या फिर डी डैश डी इंटू वन बाय रूट टू, ये निकाल चुके हैं। अब आते हैं, अब देखिए इस ट्रायंगल में
अब फिर से एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में इस तरह, ए बी डी इस ट्रायंगल में, यहाँ पे बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, और चूंकि ये स्क्वायर ब्लॉक है तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा ए डी, तो ए बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग ए डी लिख सकते हैं, तो ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी कि टू ए डी का स्क्वायर। फर्दर इसको देखें तो ए डी अंडर रूट टू ये पता चला, बी डी इक्वल्स टू क्या पता चला ए डी अंडर रूट टू, और डी डैश ई इक्वल्स टू क्या पता चला डी डी डैश डिवाइडेड बाय वन बाय रूट टू। अब इस दोनों वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है। स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी, स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी इक्वल्स टू डी डैश ई, फाइनल जो रिजल्ट आया था डिवाइडेड बाय बी डी, डी डैश ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी डैश डी डिवाइडेड बाय वन बाय रूट टू, और बी डी को क्या लिख सकते हैं ए डी अंडर रूट टू, ए डी अंडर रूट टू, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू ये बन जाएगा वन बाय टू इंटू डी डैश डी डिवाइडेड बाय ए डी। देखिए डी डैश डी यानी कि डी डैश, अगर ये इस तरह का डिफॉर्म होता है सेप डी डैश डी बटे ए डी, ये तो सिंपल सीयर स्ट्रेन का डेफिनेशन है, इस तरह से डी डैश डी डिवाइडेड बाय ए डी, ये किसका डेफिनेशन है सीयर स्ट्रेन का, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी हम लोग सिंपली कह सकते हैं हाफ इंटू इस टर्म को सीयर स्ट्रेन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मानिए इक्वेशन टू, या फिर फर्दर इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, सीयर स्ट्रेन को हम लोग सीयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मानिए इक्वेशन टू, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वन था यहाँ पे, ये भी स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी है, और वो भी जो इक्वेशन आया वो किसका आया स्ट्रेन इन डायगोनल बी डी, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट स्ट्रेन दोनों तरफ जो है डायगोनल बी डी में उसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, तो इस तरफ क्या था टाउ डिवाइडेड बाय ई वन प्लस म्यू, इस तरफ क्या है वन बाय टू टाउ डिवाइडेड बाय जी, ये टाउ से टाउ कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या ई उस तरफ जाएगा और टू जी जो है वो इस तरफ आएगा, ई इक्वल्स टू टू जी वन प्लस म्यू, यही फाइनल एक्सप्रेशन है ये जो डिराइव हम लोग को करना था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है रिलेशनशिप पे बेस्ड ही, डिटरमाइन पॉइजन रेशियो म्यू एंड बल्क मॉडुलस के ऑफ मटेरियल फॉर विच यंग मॉडुलस दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 पावर 5 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी का वैल्यू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, के का वैल्यू निकालना है और म्यू का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा पहले इस दोनों में क्या रिलेशन है ई और जी में, उसके थ्रू म्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग के पे आएंगे, ठीक है। ई और जी में क्या रिलेशन है, ई इक्वल्स टू अभी तुरंत प्रूफ किए हम लोग, ई इक्वल्स टू टू जी वन प्लस म्यू, ई का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 पावर 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 4.8 इंटू 10 पावर 4 1 प्लस म्यू, तो इससे 1 प्लस म्यू जो है ये निकल जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.8 इंटू 10 पावर 4, ये आता है 1.25, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू 1.25, ये 1 उस साइड चल जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0.25, ये म्यू का वैल्यू निकला। अब के का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी दो रिलेशन को आपस में हम लोग इक्वेट कर देते हैं, ई इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, तो के निकल जाएगा, के इक्वल्स टू
ई डिवाइडेड बाय थ्री वन माइनस टू म्यू। ठीक है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 1 माइनस 2 इंटू म्यू का वैल्यू अभी निकाले 0.25, ये आता है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दो रिलेशन पता है, E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू और E इक्वल्स टू 2C 1 प्लस म्यू। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो K और C में भी आपस में रिलेशन क्या बन जाता है, 3K 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 2C 1 प्लस म्यू। तो K को एक तरफ रख के पूरे टर्म को उधर ले जा सकते हैं, या फिर C को एक तरफ रख के पूरे टर्म को इधर ले जा सकते हैं, और दोनों में जो रिलेशन है इस तरह से इसको और फर्दर मैनिपुलेट करके देखा जा सकता है।